जयशंकर ने जिस तरीके से आपकी इंडिया की फॉरन पॉलिसी को जिस लेवल पे ले जा चुके हैं डॉक्टर जयशंकर हमारे कुरेशी साहब हमारे जो आ, 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 हमारे मुर्शद बादशाह है वो उसको कंपेयर क्यों नहीं करते आप हर चीज में उनका मुकाबला करने की कोशिश करते हैं उन्होंने एस फोर लिया है आप कहते हैं हम ड्रोन से उसको करेंगे आ, उन्होंने राफेल लिए हैं आपको खैरात में चाइना ने आपको चार जहाज दे दिए हैं और आप देखें नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया में जाके जिस तरह एक वो कहते हैं ना कि इंडियन अवाम को कॉन्फिडेंस दिया है हम एग्जैक्टली उस साइड पे लेके जा रहा है कि क्योंकि ये सिस्टम इज गोइंग टू कोलैप्स बाय द करप्शन मैं समझता हूं कि हर पाकिस्तान की पाकिस्तानी के लिए वो एक इबरतनाक स्टोरी है किस तरीके से इन हालात में जब एक मेरा पाकिस्तान आलमोस्ट बैंक्रप्सी के कारनर पे खड़ा है जिस तरीके से मैं समझता हूं पाकिस्तान के खिलाफ एक साजिश की गई है जिस तरीके से ये आईएमएफ का बिल जो है वो पास कराया है अब तो उन इन स्टांसेस में जब यहां आते हैं और दिल खून का आसुर होता है जब हम बांग्लादेश को देखते हैं जब श्रीलंका को देखते हैं आपके भारत को देखते हैं इंडिया को देखते हैं मैं दो पिछले दो दिन मेरे लिए बहुत मुश्किल थे कि आपका नंबर एक है और भारत जो है वो पचासी पे है दो साल से और साइज में आपसे तीन गुना ज्यादा बड़ा है करप्शन वहां भी मौजूद है लेकिन आपका डीएनए आपकी आदत आपकी हर चीज उनसे मिलती है आप हर चीज में उनका मुकाबला करने की कोशिश करते हैं उन्होंने एस फोर लिया है आप कहते हैं हम ड्रोन से उसको करेंगे आ, उन्होंने राफेल लिए हैं आपको खैरात में चाइना ने आपको कुछ चार जहाज दे दिए हैं हर चीज का कंपैरिजन करते करप्शन में क्यों नहीं करते आप फॉरन पॉलिसी में क्यों नहीं करते जयशंकर ने जिस तरीके से आपकी इंडिया की, की फॉरन पॉलिसी को जिस लेवल पे ले जा चुके हैं डॉक्टर जयशंकर हमारे कुरैशी साहब हमारे जो आ, 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 हमारे मुर्शद बादशाह है वो उसको कंपेयर क्यों नहीं करते आप हर दूसरी चीज का कंपैरिजन भारत के साथ करते हैं लेकिन इसमें क्यों नहीं करते आप जीडीपी में करते हैं आप महंगाई में हर चीज का हालांकि वो बिल्कुल एक टोपी ड्रामा आप दिखाते हैं लोगों को आप उनके साथ उनकी आमदनी नहीं दिखाते आप उनके साथ उनको डॉलर के रेट नहीं बताते आप उनका सोशल सिस्टम उनका कम्युनिटी सिस्टम उनका सपोर्ट सिस्टम वेलफेयर सिस्टम नहीं दिखाते कि आप हर चीज के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं आप कमजोर हैं आप तजर्बाकार नहीं है आपने इंपोर्टेड बच्चे इकट्ठे किए हैं और आप अभी तक गवर्नमेंट गवर्नमेंट सीख रहे हैं आपको जिस तरह खान साहब ने कहा कि हम अगले पांच साल भी लगाएंगे अगला टर्म आप खान साहब आए तो आपका नंबर 180 होगा 140 नहीं होगा खुदा ना करे कि पाकिस्तान में इस तरह के आगे माजी में लीडर आए जो हमारे मादरे मिल्ल मादरे मिल्ल माँ होती है और उसके कपड़े ना वो फाड़े उसकी उसकी बेहतरी की तरफ सोचे अरे तार साहब ये बताएं कि ये तो आप सारी बात है आप लोगों को हम देखते हैं काम करते हुए मेहनत करते हैं और पीछे मादरे मिलत के साथ क्या हो रहा है अब आप क्या समझते हैं जितनी पोलराइजेशन पाकिस्तान में है जितनी सियासी जमातें हमें घसीट रही है एक जमात कहती है मेरे पास हल है दूसरी जमात कहती है मेरे पास हल है लेकिन हल तो किसी के पास नहीं है क्या ये वक्त आ नहीं गया कि एक नेशनल लेवल पे एक सोच हो जिसमें सारी कौम और मुल्क इकट्ठा हो ये ना हो कि हम एक जमात को सपोर्ट करें और मुल्क जो है वो पीछे रह जाए एक जमातों और लीडर्स और इंडिविजुअल अप्रोच ने इस मुल्क को जो ब्लीड किया है जो एक शख्स की अप्रोच है उसने इस मुल्क को ब्लीड किया है क्या कोई इस तरह का मैकेनिज्म नहीं हो सकता तारड़ साहब जिसमें सारी नेशनल लीडरशिप सोच के मिल के बैठे और इस तरह के चैलेंजेस को देखे जिसमें आप देखें नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया में जाके जिस तरह एक वो कहते हैं ना कि इंडियन अवाम को कॉन्फिडेंस दिया है हमारे प्राइम मिनिस्टर जाते हैं तो वो सिर्फ अपनी बात करते हैं बाकियों को वो गाली देते हैं वो जाते हैं तो वो इंडिया की बात करते हैं ये जाते हैं तो सिर्फ पीटीआई की बात करते हैं इस तरह बाकी सियासी जमाते भी हैं तो क्या ये नहीं करना चाहिए कि एक कौम को इकट्ठे होकर एक कौन की बात की जाए और सारी लीडरशिप इकट्ठी होकर मुल्क को अपलिफ्ट करे ये ना हो कि हम एक दूसरे अपने आप को अपलिफ्ट करें और मुल्क पीछे रह जाए इसके ऊपर काम नहीं होना चाहिए या क्या किया जा सकता है सब नेशन कैन सर्वाइव विदाउट नेशनलिज्म नेशनलिज्म आपका अगर नहीं है पाकिस्तानियत आप में मौजूद नहीं है आपके पास आपके अंदर खौफे खुदा मौजूद मौजूद नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते अब मैं थो, थोड़ा सा यह बताना चाहूंगा आपने वो जो बिल्कुल मेरे दिल की बात की खास साहब ने यहां बहुत बड़ा जलसा किया वाशिंगटन डीसी में लेकिन उसके अंदर आके खास साहब कह गए कि मैं जाते ही हूं नवाज शरीफ से एयर कंडीशन वो यार जो अमेरिका ने एक बैठा है अमेरिकन डेस्पोरा उसको क्या फर्क पड़ता है आप ए दो या ना दो यहां आए बात करो कौम की इस्लाम की बात करो आप और चीजें ग्लोबल इशूज की डिस्कस करो लेकिन यही एक बड़ी बात है कि यहां पे पर्सनल रिलेशनशिप बनाने आते हैं लोग हमारे सियासतदान और उसके बाद अब मैं जो जो अगली तरफ बात आ, अगली बात आपसे करना चाहूंगा स्टूडेंट ऑफ पोलिटिकल साइंस चीमा साहब इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा एक खतरा जो है वो आपकी पार्टियां खतरा नहीं है आपका एक करप्शन का अलायंस बन चुका है उसमें सब पार्टियां जिस तरह ये मुझे ये ये बताएं सेनेट में जो बिल जे पास हुआ है तो है विद द सपोर्ट ऑफ अपोजिशन तो करप्शन का अलायंस कहा जा रहा है कि वो पैसे लेकर आए हैं या किसी अदारे ने उनको खेच के ला के वोट लिए हैं क्योंकि उनका इंटरेस्ट इन्वॉल्व था इसका मतलब यह कि सारे अगर इन्होंने काम करना हो तो कर सकते हैं करना चाहते नहीं है hmm. करप्शन का एक अलायंस है जब तक वो अलायंस नहीं टूटेगा कुरस्ता नजर नहीं आएगा लेकिन मैंने जब ये कल आपका स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो बिल जब मैंने पढ़ा है तो खुदा आप ये सोचें कि आपके सी पैक के बिल को जिस तरीके से नैब से आपने उसको इम्यूनिटी दी थी उसको चीजों से बचाया था आप इसको बचाया है आप बारी बारी सारे अदारों को करप्शन के लाइसेंस दे रहे हैं लेकिन ये सारी चीजें कहां जा रही हैं ये एक डिक्टेटरशिप एक डिक्टेटर जो हो ये बिल्कुल एग्जैक्टली exactly उसी साइड पे लेके जा रहा है क्योंकि ये सिस्टम इज गोइंग टू कोलैप्स बाय द करप्शन और उसके बाद कोई बंदा दूसरा आएगा डिक्टेटर आएगा वो ही इस चीज को फिक्स करेगा अगर वो सिंसियर हुआ अगर वो पाकिस्तानी हुआ पाकिस्तान के अंदर उसके बच्चे पढ़ते हुए पाकिस्तान के साथ उसकी जिंदगी मौत होगी तो वही सोल्यूशन देगा ये इंपॉर्टेंट लोगों का तजर्बे आपने चीमा साहब आपने सिदारती निजाम का तजर्बे कर लिए आपने मार्शला का तजर्बे कर लिए आपने निज़ाम मुस्तफा के नारे लगा लिए आपने बगैर जमाती पे इलेक्शन करा लिए आपने अबूरी गवर्नमेंटें बना ली अब हर सिस्टम आप, आप आजमा चुके हैं आजमा चुके हैं लेकिन चेहरे बदलते हैं खानदान वही है इनका एक करप्शन का अलायंस है उसके सारे हिस्से हैं मिलके करते हैं इनमें सिर्फ दो चीजें इस वक्त नहीं है ना कौमियत है नेशनलिज्म है ना खौफ खुदा है लेकिन ये ये मैं मैं तो एज 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 ए पाकिस्तानी अमेरिकन कहते मायूसी गुना है लेकिन कई दफा मायूस होता हूं कि वो मर्द ममून मर्द हक कहां से आएगा वो पाकिस्तान के अंदर से ही आना है बाहर से बाहर से जो लोग लेके आप जाते हैं वो तो लंदन बेस होते हैं कैनेडा बेस होते हैं वो तो वापस आ जाएंगे इस वक्त जिस तरह कई तैयारियां कर रहे हैं निकलने वाले बारी, बारी बारी अब निकलेंगे सारे तंग गली से होके लेकिन ये कि अब मैं खुद इस वक्त कई दफा तो ना उम्मीद हो जाता हूं कि कौन हमें वो वैक्यूम लीडरशिप कौन प्रोवाइड करेगा वो इस, इस, इस हमें इस करप्शन से बेरा रवि से बदहति से बेहमानी से हमें निजात कौन, कौन लीड करेगा हमें ओपन क्वेश्चन मार्क हेलो फ्रेंड्स अपना हिंदुस्तान न्यूज़ में आपका स्वागत है साजिद तरार खुल के कह रहे हैं कि मोदी जी ने भारतीयों के अंदर कॉन्फिडेंस ला दिया है वो जब भी बाहर जाते हैं अपने देश की बात करते मगर इमरान खान जब भी जाते हैं चौबीस घंटे नवाज़ शरीफ को गाली देता है इससे पता चल जाता है दोनों नेताओं में फ़र्क क्या है इसी तरीके से हम हर बात पर भारत का मुकाबला करते हैं अगर भारत एस लेता है तो हम चाइना से भीख में और कोई सिस्टम ले लेते हैं इससे पता चल जाता है हमारी खुद की कोई गैरत तो है नहीं हम खाली भीख के पैसे पर ज़िंदा हैं आगे जाके समझ में नहीं आ रहा क्या होगा इस पाकिस्तान का क्योंकि हर तरफ करप्शन का राजा है सब चाहते हैं कि अपने सातों पुश्तों के लिए पैसा इकट्ठा कर ले और हमेशा के लिए मुल्क छोड़ के भाग जाए और साझिदराज इस बात से भी गुस्सा है किस तरीके से भारत के फॉरन मिनिस्टर एस जयशंकर दुनिया में जाके अपना डंका बजा रहे हैं मुल्क का और हमारे फॉरन मिनिस्टर को कुछ भी नहीं पता किस तरीके से डिप्लोमेसी की जाती है ना कोई हमारी फॉरेन पॉलिसी है ना कोई डोमेस्टिक पॉलिसी हम खाली 24 घंटे आपस में ही लड़ते रहते हैं जिसकी वजह से दूसरे मुल्क हमारा फ़ायदा उठा रहे हैं अब और वो कह रहे हैं इसी हिसाब से अब श्रीलंका और बांग्लादेश भी हमसे आगे निकलते जा रहे हैं और हमारा नंबर कहीं नहीं है पूरे रीजन के अंदर और आने वाले टाइम में तो ऐसा लग रहा है कहीं पाकिस्तान बुरी तरीके से बैंक ना हो जाए आई